खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। चाचौड़ा वन परिक्षेत्र बीनागंज के अंतर्गत ग्राम जूनापानी के पास वन विभाग के अमले ने दबिश देकर अवैध रूप से परिवहन हो रही सागौन की सिल्लियों को तस्करों से बरामद किया है। सागवान की 5 सिल्लियां जब्त करने में वन विभाग को सफलता मिली है। इस कार्यवाही में चाचौड़ा थाना प्रभारी राम शर्मा एवं उनकी टीम का भी विशेष योगदान रहा। जब्त की गई सिल्लियों की कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई जा रही है। सर क्या मामला है सागौन की लगती है? ग्राम जूनापानी के पास हमारे डिप्टी रेंजर श्री मुरारीलाल शर्मा और हमारा वन दल पुलिस के साथ सामूहिक गश्ती कर रहा था, तो सागौन की सिल्लियां लेके कुछ मोटरसाइकिल्स वहां से निकली, उनको रोका, वर्दी देख के उन्होंने लकड़ियाँ फेंकी, जिसको हमारे वन विभाग द्वारा जब्त किया गया और मोटरसाइकिल लेके वो आगे भागे तो घेराबंदी करके पुलिस ने उनको पकड़ लिया। लकड़ियों की संख्या कितनी होगी और उसकी कीमत कितनी? सागौन की लगभग 5 सिल्लियां हैं जिनका घन मीटर 0.311 CMT है और कीमत लगभग 10,000। कहाँ से जब्त की थी? ग्राम जूनापानी के पास। खबर समय जगत के लिए चाचौड़ा से योगेश सक्सेना की रिपोर्ट। समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।